ये सिर्फ जनता के पैसे की बर्बादी की जा रही है, लोगों की आंखों में धूल ढोंकी जा रही है। मैं यहाँ मेले के उद्घाटन में आया, आते के संग मैंने जिले के अधिकारियों से पूछा कि मैंने कि साहब हमारे NIT 86 का आपने कहाँ सिस्टम रखा है, तो उन्होंने कहा ये जोन नंबर 1 NIT 86 का। मैंने कहा कितने आदमी है, उन्होंने कहा 200 कुछ आदमी है। तो मैं लिस्ट लेके आया उनके यहाँ से ये, और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मैंने 5 मिनट के अंदर इसका नीर छीर कर दिया। ये 255 आदमियों की लिस्ट है, इसमें से 57 आदमी तो वो निकले जो NIT 86 के नहीं है। उसमें से एक हमारे यहाँ अपना घर सोसाइटी है, बड़ा रिच एरिया हमारी विधानसभा का, वहाँ का एक आदमी का नाम था, मैंने कहा जी इसको जरा फ़ोन मिलाना, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति खड़े थे, विकलांग भी हैं, उनका नाम नहीं है इस लिस्ट में। उसको फ़ोन मिलाया, वो कहता जी मेरी तो 1 लाख रुपए महीने की इनकम है, और पता नहीं मैंने ना अप्लाई किया, मेरा नाम किसने डाल दिया। मैंने विधानसभा में भी इसको लेके प्रश्न उठाया था, खास तौर से ये मैंने बात कही थी कि ये जो आप परिवार पहचान पत्र नहीं बना रहे और इसके अंदर AY का डाटा रख रहे हैं, जबकि AY का डाटा ऑलरेडी हमारे पास है, वाजपेयी जी की सरकार के समय ये प्रोजेक्ट आया था, उसके हिसाब से राशन कार्ड बट रहा है, आपको इसको नई की जरूरत क्या है। उसके बाद किसी भी सरकारी अधिकारी ने या सरकारी अमले ने जो जनता से की खून पसीने की कमाई से तनख्वाह ले रहा है, उसने इतनी जरूरत भी नहीं समझी। कम से कम 20 मकानों के एड्रेस हमारी पुरानी प्रेस कॉलोनी के हैं, जो कि सबको पता है कि प्रेस कॉलोनी आज बंद हो चुकी है, वो क्वार्टर सरेंडर हो चुके हैं, ना वहाँ कोई रहता है, ना वहाँ बिजली का कनेक्शन है, उनके नाम भी फर्जी डाल दिए गए हैं इसके अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी अफसरों की, शासन की, प्रशासन की, लोगों का इसमें नाम लिखा गया है क्या, वो इंक्लूड ही नहीं किया, सिर्फ सिफारिशों को इंक्लूड कर लिया इसके अंदर। अब देखो ना मेले के अंदर जितने लोग आए हैं, ज्यादातर से आप पूछना जो यहाँ भटक रहे हैं वो वास्तव में गरीब है, उनका नाम ही नहीं है लिस्ट के अंदर, सिर्फ खाना पूर्ति करी है। हालांकि एक सरकारी अफसर ने मुझे बताया, बड़ी हैरानी हुई मुझे सुन के, कि आपने आज मेला लगा दिया, पूरे मंत्री आए हुए, हमारे सारे विधायक जन आए हैं, वो कहते हैं ये सेंट्रलाइज लिस्ट है और ये कल ही आई है हमारे पास। ये बिल्कुल आनन फानन में किया हुआ कार्य है, जल्दबाजी के अंदर, और सरकारी पैसे का ये बहुत बड़ा दुरुपयोग है। जिस अंतिम व्यक्ति को मदद मिलनी चाहिए थी, उस अंतिम व्यक्ति को इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है। इस लिस्ट के अंदर ज्यादातर उन लोगों को इंक्लूड किया गया है जो इसके योग्य नहीं थे। अंत्योदय योजना, यानी कि पहले से बड़ी चीज है ये, मेरे हाथ में साहब 255 मेंबर की लिस्ट आई, और मैंने सिर्फ एक फोन कहा इनको करने के लिए कि मैंने कि जी इस आदमी को आप फोन करिए। जब मैं 7 मिनट